वोट मांगने के लिए तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, हमको वोट दे दीजिए। और जब काम करने का सवाल होता है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। जो सॉलिसिटर जनरल ने जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो तर्क रखा, उससे अब यह साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही थी, अब उनको खुल के मैदान में अति पिछड़ों के, गरीबों के विरोध में आके खड़ा होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो खाने के लिए अति पिछड़ा विरोधी है, दिखाने के लिए अति पिछड़ा प्रेमी। जाति आधारित गणना हो रही थी और यह गणना राज्य सरकार करा रही थी, प्रत्येक जाति की गणना हो जाए और उसके साथ साथ राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिन जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनकी भी गणना करा रही थी। और राज्य सरकार की यह मंशा है कि अगर राज्य का सर्वांगीण विकास होना है, राज्य को प्रगति पर ले जाना है, तो सभी का को ध्यान में रख के योजना बनानी पड़ेगी और इसी को ध्यान में रख के राज्य सरकार जाति आधारित गणना करा रही है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने के लिए तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, हमको वोट दे दीजिए। और जब काम करने का सवाल होता है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं, गरीब विरोधी हो जाते हैं। तो जब ये जातीय गणना शुरू हुई तो पहले पटना हाईकोर्ट में PIL करवाया भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से। जब पटना हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील जो इस देश के पहले अटॉर्नी जनरल रहे इन्हीं मोदी जी की सरकार में, गुजरात के ही हैं, श्री मुकुल रोहतगी जी, वो पिटिशनर की तरफ से खड़ा हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें स्टे देने का सवाल ही नहीं उठता है, स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं, अभ्यास करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो आप सबों ने देखा। उन्होंने कहा कि भाई इससे आपका कौन सा व्यक्तिगत जो आपकी निजता है उसका हनन हो रहा है। हर आदमी को जानता है कि कौन किस जात का है, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, आपके मोहल्ले वाले लोग भी जानते हैं, तो सब जानते ही हैं, तो इसमें कौन आपको आपका निजता का हनन हो रहा है, तो इसलिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन खैर ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्टे देने का सवाल नहीं। आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया, आना पड़ा, उनको मजबूर हो गया। आज सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमको भी इसमें कुछ कहना है इन PIL पिटिशनर्स के पक्ष में, तो बात खुल गई। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये जितना राग अलापे अब उस राग का कोई असर नहीं होने वाला है। अब पूर्णतः प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। ये सारा काम आप सब लोगों ने देखा, नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ, उसमें भी पर्दा के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ही थी। हम लोगों ने उसमें भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से आरक्षण को समाप्त कराने के लिए हाईकोर्ट में आदेश, और फिर जब उसी हाईकोर्ट से आदेश हो गया और हम लोगों ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना अति पिछड़ों को आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और हुआ अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी तरह जातीय गणना पर हो रहा था। तो अब तो आज
जो सॉलिसिटर जनरल ने जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो तर्क रखा, उससे अब ये साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही थी, अब उनको खुल के मैदान में अति पिछड़ों के, गरीबों के विरोध में आके खड़ा होना पड़ा है, और वो इनके विरोधी हैं, इस समाज के विरोधी। तो बात हम कह रहे हैं, वोट लेने के टाइम में अति पिछड़ा बन जा रहे हैं, और जब हक देने का सवाल आ रहा है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उन लोगों का हक दे रहे हैं, गन्ना करा रहे हैं, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी भी गन्ना हो रही है। तो इससे ना अपर कास्ट को घाटा है और ना बैकवर्ड क्लास को घाटा है, हर व्यक्ति का गन्ना हो जाएगा। 24 से पहले क्या बीजेपी को डर हो गया है क्या कि वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा? अरे बीजेपी को डर क्या, बीजेपी डर के ही रहती है, वो पर्दे के पीछे से खेल करती है सारा काम, वो पर्दे के पीछे से। लेकिन अब पर्दे के पीछे से उनको आगे आके मैदान में अब खुल खेलने का मौका मिला है, और अब ये साबित हो गया अति पिछड़ों के नजर में कि भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो खाने के लिए अति पिछड़ा विरोधी है, दिखाने के लिए अति पिछड़ा प्रेमी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।